देश के गृह मंत्री अमित शाह बीते दिनों एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां अमित शाह ने खुलकर कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा, साथ ही अडानी मुद्दे पर भी चर्चा की। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मुख्य प्रतिद्वंदी के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि अभी तो जो चित्रण देख रहे हैं, हर राज्य में हमारी स्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन किसी न किसी अलग दल से होती है। लोकतंत्र में सभी चुनाव लड़ते हैं, स्पर्धा है ही। क्षेत्रीय दल के बारे में अमित शाह ने कहा कि यूपी में हम 4 चुनाव सपा बसपा से लड़कर जीते हैं। आरजेडी को बिहार में हमने कई बार हराया है। नॉर्थ ईस्ट में हम क्षेत्रीय दलों को हराकर जीते हैं। कॉन्क्लेव में अमित शाह ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा 70 के दशक के बाद पहली बार होगा। गृहमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत के लोगों के अंदर महत्वाकांक्षा को जीवित करने का काम किया है। देश के 60 करोड़ लोग जो सपना नहीं देख पाते, उन गरीब लोगों के मन में स्वप्न देखने की आशा का संचार करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने हर भारतीय के मन में आज ये सपना निश्चित रूप से खड़ा किया है कि जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, सारे विश्व के अंदर भारत सर्वप्रथम होगा और भारत दुनिया में हर क्षेत्र में नेतृत्व करेगा। अमित शाह ने कहा कि करीब 4 दशक से कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद, ये ऐसे हॉटस्पॉट थे जो नासूर बनकर देश की आंतरिक सुरक्षा को परेशान कर रहे थे। इसका कोई समाधान नहीं दिखता था, लेकिन पिछले 9 साल में मोदी जी की नीतियों के कारण आज कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है और पर्यटन बढ़ रहा है। 1 साल में 1.80 करोड़ लोग कश्मीर घूमने गए हैं। वहाँ हिंसा की घटनाओं में 70% की कमी आई है। पत्थरबाजी पूरी तरह से बंद हो गई है। आतंक फैलाने के लिए स्थानीय युवाओं की भर्ती लगभग बंद हो गए हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी जी की वजह से बिना किसी सुरक्षा के श्रीनगर में राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सके। जिस लाल चौक में तिरंगा फहराने के लिए मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी को सेना से घिरकर जाना पड़ा था और हेलीकॉप्टर से उन्हें वहां पहुंचना पड़ा था, यूपीए के शासन में यह संभव नहीं था। विश्व स्तर पर पीएम मोदी के प्रभाव का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज विश्व में कोई भी समस्या हो, पूरे विश्व के नेता यह राह देखते हैं कि नरेंद्र मोदी इस समस्या के बारे में क्या बोलते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है। 2014 से 2023 तक ये बड़ा परिवर्तन आया है। विश्व की हर समस्या के समाधान के लिए भारत के दृष्टिकोण, भारत के पीएम के दृष्टिकोण को महत्व दिया जाता है। मेरी पार्टी का विजन बहुत स्पष्ट है। हम सबको लक्ष्य रखना चाहिए कि जब देश की आज़ादी की शताब्दी हो, तब हर क्षेत्र के अंदर भारत दुनिया में सर्वप्रथम हो। यही नीति हम लेकर चल रहे हैं, इसी के लिए हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अमित शाह ने उद्योगपति गौतम अडानी के मुद्दे के सवाल पर भी जवाब दिया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, जिसके पास इस मामले से जुड़े जो भी तथ्य हैं उसे कमेटी के सामने रखने चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ है तो किसी को भी बख्शना नहीं चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। इन सब के बाद भी अगर लगे कि रिपोर्ट ठीक नहीं है तो जरूर मुद्दे को उठाना चाहिए। शाह ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि वो प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे और जनता को गुमराह करने में लगे हैं। शाह ने इस पर आखिरी कमेंट करते हुए कहा कि जनता को पता है कि कोई आरोप किसी पर तभी लगता है जब उस शख्स के अतीत का जीवन उस आरोप के अनुरूप रहा हो। इसके अलावा अमित शाह ने और भी कई आरोपों का जवाब दिया, जैसे ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों पर विपक्ष हमेशा से ये आरोप लगाता रहा है कि ये एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम करती हैं। इसी का जवाब देते हुए अमित शाह ने 2017 में कांग्रेस की किसी बड़ी नेता का जिक्र करते हुए कहा कि तब वो कहते थे कि अगर भ्रष्टाचार किया है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, अब कार्रवाई हो रही है तो ये हाय तौबा कर रही है। अमित शाह ने कहा कि कोर्ट से ऊपर कोई एजेंसी नहीं है, इसीलिए हो हल्ला करने की बजाय कोर्ट में चुनौती दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.